हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्केमिया डॉट इजी गेम. माई सेल्फ प्रोफेसर जियाउल हक, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिंथेसिस ऑफ वन फिनिल एजो टू नेफ्थॉल फ्रॉम एनिलीन बाय डाइजोटाइजेशन एंड कपलिंग रिएक्शन. तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज का वीडियो इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है. आगे आने वाले सभी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें. तो आइए देखते हैं प्रोसीजर फॉर सिंथेसिस ऑफ वन फिनिल एजो टू नेफ्थॉल. इसके लिए आपको तीन इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने हैं. जैसे फर्स्ट आपको प्रिपेयर करना है बाय टेकिंग 2.5 ml ऑफ एनिलीन इन 8 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड 8 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर. मतलब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले 2.5 ml एनिलीन एक स्मॉल बीकर मिलेंगे, उसमें आप ऐड करेंगे 8 ml कॉन्सेंट्रेटेड HCl, देन आप ऐड करेंगे 8 ml डिस्टिल वाटर. ये सॉल्यूशन बनने के बाद जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा वो होगा बेंजानामिनियम क्लोराइड. एनिलीन कॉन्सेंट्रेटेड HCl में सॉल्यूबल हो जाता है अगर आप उसमें वाटर ऐड करेंगे, और वो करने के बाद आपका अमोनियम कॉम्प्लेक्स बनता है. और यहाँ पर आपका एनिलीन बेंजीन के साथ में है इसलिए इसका नाम पड़ गया बेंजानामिनियम क्लोराइड. आप इसको सिंपल अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट भी बोल सकते हैं, बट वन हाइड्रोजन यहाँ पर बेंजीन से रिप्लेस हो गया. सेकंड आप क्या करेंगे, आप लेंगे 2 ग्राम सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और इसे डिजोल्व कर देंगे 10 ml डिस्टिल वाटर में. और ध्यान से ये सॉल्यूशन आपको रखना रहेगा आइस बाथ में. ये आ जाएगा आपका सॉल्यूशन नंबर 2. सॉल्यूशन 2 प्रिपेयर होने के बाद आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है 0 to 5 डिग्री C. देन आप क्या करेंगे, आप एनिलीन का सॉल्यूशन वापस से आइस बाथ में रखेंगे और सोडियम नाइट्राइड का सॉल्यूशन आप ऐड करेंगे एनिलीन के सॉल्यूशन में, जिससे आपका डाइजोटाइजेशन हो जाएगा और बेंजानामिनियम क्लोराइड कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में. ध्यान से ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है. यहाँ पर अगर आपने टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया तो आपका टेम्परेचर राइज होने की वजह से नाइट्रस एसिड की गैस इवॉल्व हो जाएगी और आपका डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं होगा. आपको करना यह है कि सोडियम नाइट्राइड का सॉल्यूशन एनिलीन के सॉल्यूशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप विथ कंटिन्यूअस स्टरिंग ऐड करना रहेगा. साइमल्टेनियसली आप इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर रखेंगे 0 to 5 डिग्री C. नेक्स्ट आप प्रिपेयर करेंगे सॉल्यूशन ऑफ 3.9 ग्राम ऑफ बीटा नेफ्थॉल और 2 नेफ्थॉल इन 22.5 ml ऑफ 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. अब ये सॉल्यूशन जब आपका प्रिपेयर हो जाएगा तो ये होगा आपका सॉल्यूशन 3. फॉर एग्जांपल अगर आपने इन तीनों सॉल्यूशन को एक साथ बनाया हुआ है अलग अलग, जिसमें से आपने एलिलीन सॉल्यूशन रूम टेम्परेचर पर रखा है, सोडियम नाइट्राइड का सॉल्यूशन आइस बाथ में है और बीटा नेफ्थॉल का सॉल्यूशन भी आइस बाथ में है, उस टाइम पर आप क्या करेंगे, जब आपका कंप्लीट एडिशन हो जाए NaNO2 का, देन आप ऐड करेंगे 12.5 ग्राम ऑफ क्रश्ड आइस इन बीटा नेफ्थॉल सॉल्यूशन, जिससे आपका टेम्परेचर वहां पर भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल डाउन हो जाएगा, 0 to 5 डिग्री C हो जाएगा. और इस रिएक्शन में जो 2 नेफ्थॉल आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्यूशन होगा, वहां पर आपका फॉर्मेशन होगा सोडियम नेफ्थलीन 2 ओलेट या सोडियम सॉल्ट ऑफ बीटा नेफ्थॉल. देन आप क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे, किसे ऐड करेंगे, डाइजोटाइज्ड एनिलीन का जो आपका सॉल्यूशन है उसे आप ऐड करेंगे किसके अंदर, बीटा नेफ्थॉल के सॉल्यूशन में. तो ध्यान से आपको डाइजोनियम सॉल्ट जो आपका प्रिपेयर होगा वो ऐड करना रहेगा बीटा नेफ्थॉल के सॉल्यूशन में. बट ध्यान से यहाँ पर आपको ये पूरी रिएक्शन आइस बाथ में करनी है, बीटा नेफ्थॉल का सॉल्यूशन भी आइस बाथ में रखना है, डाइजोटाइज सॉल्यूशन भी आइस बाथ में रखना है. आप उसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे बीटा नेफ्थॉल के सॉल्यूशन में और यहां पर आपको स्टरिंग कंटिन्यूअस करनी होगी. तो आपका प्रिपेयर हो जाएगा वन फिनिल एजो टू नेफ्थॉल. अब यहां पर जो आपकी रिएक्शन हुई है वो कपलिंग रिएक्शन है. पहले आपकी डाइजोटाइजेशन हुई थी जिसमें आपने एलिनिन के अंदर HCl डाल के बेंजानामिनियम क्लोराइड बनाया, बेंजानामिनियम क्लोराइड के अंदर NaNO2 का सॉल्यूशन डाल के आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया, तो ये आपका डाइजोटाइजेशन हुआ है. डाइजोटाइजेशन के बाद आपने क्या किया, डाइजोटाइज्ड आपने ऐड किया है सोडियम नेफ्थेलीन 2 ओलेट के सॉल्यूशन में, जिससे आपकी कपलिंग रिएक्शन हो गई, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है डाइजो कपलिंग रिएक्शन. ठीक है, और ये एग्जांपल है डाइजो कपलिंग रिएक्शन का. यहां पर आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑरेंज रेड कलर में बनता है, इसीलिए हम इसे ऑरेंज रेड डाई भी बोलते हैं. ये डाई कंपनी में हम
वन फिनिल एजो टू नेफ्थॉल को यूज कर सकते हैं। अब जब आपका कंप्लीट एडिशन हो जाए, डाइजोनियम सॉल्ट जब आपका नेफ्थलीन सॉरी टू नेफ्थॉल सॉल्यूशन में जब कंप्लीट ऐड हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे, इसे आप उसी आइस बात में रखेंगे फॉर 30 मिनट्स विथ ओकेजनल शेकिंग। मीन्स आपको 5 मिनट 10 मिनट के इंटरवल पर इसे स्टरिंग करनी होगी, बट ध्यान से तब भी आपको सॉल्यूशन आइस बात में ही रखना रहेगा। जब आपका कंप्लीट 30 मिनट्स हो जाए तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट को फिल्टर कर लेंगे और यहाँ पर आपको इसको कोल्ड वाटर से वॉश करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका HCl बचा हुआ है या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कुछ बचा है या सोडियम नेफ्थलीन टू ओलेट जो भी एक्सेस अमाउंट में बचा होगा, ये सब वाटर सोल्यूबल रहेंगे, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, इसे कोल्ड वाटर से वॉश करेंगे और वन फिनिल एजो टू नेफ्थॉल वाटर इनसोल्यूबल है, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट नियर अबाउट प्यूरिफाइड फॉर्म में मिल जाएगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट आपको मिलेगा 128 टू 131 डिग्री सी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं हम इस कंप्लीट प्रोसीजर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे थ्योरेटिकल यील्ड का। तो थ्योरेटिकल यील्ड का कैलकुलेशन बहुत आसान है। आपको पता है कि आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट लेना रहता है एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट लेना है। यहाँ पर रिएक्टेंट आपका एनिलीन है और प्रोडक्ट आपका वन फिनिल एजो टू नेफ्थॉल है। अब आप लेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनिलीन एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वन फिनिल एजो टू नेफ्थॉल। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनिलीन है 93.12 एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वन फिनिल एजो टू नेफ्थॉल है 248.272। अब यहाँ पर आपने लिया था 2.5 ml एनिलीन, नियर अबाउट इसकी डेंसिटी 1 ही होती है, तो 2.499 आपको लेना था, तो हमने यहाँ ले लिया 2.5 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वन फिनिल एजो टू नेफ्थॉल 248.272 है, बट ये कितनी क्वांटिटी में आएगा हमको पता नहीं है, इसके लिए x, और x कैलकुलेशन के लिए हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो x इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 248.272 डिवाइडेड बाय 93.12, जिससे आपका कैलकुलेशन हो जाएगा 6.66 ग्राम। ये हो जाएगी आपकी थ्योरेटिकल यील्ड। नाउ नेक्स्ट आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिकल यील्ड आ जाएगी जो 6 point something ग्राम में होगी। 5 ग्राम हो सकती है, 4 ग्राम हो सकती है, ये ज़्यादा नहीं आ सकती है, कम ही आती है। नियर अबाउट आपका जो परसेंटेज यील्ड आएगी वो आपकी 70 से लेके 97% तक यील्ड इसकी आती है। तो परसेंटेज यील्ड का कैलकुलेशन होगा प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा आप यहाँ पर उसका वेट करके, ड्राइड कंपाउंड का वेट करके आप यहाँ पर प्रैक्टिकल यील्ड लेंगे, जिससे आप परसेंटेज यील्ड का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम इस कंप्लीट प्रैक्टिकल को परफॉर्म कैसे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के रिक्वायरमेंट एनिलीन, बीटा नेफ्थॉल, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो आइए हम सबको ले लेते हैं। एनिलीन 2.5 ml, ये लेने के बाद आपको इसमें ऐड करना रहेगा कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड 8 ml। ध्यान से इसको साइड वॉल से ही ऐड करना है, क्योंकि एनिलीन के साथ रिएक्शन करते आपको फ्यूम्स दिखेंगे बहुत सारे। कंप्लीट ऐड होने के बाद आप इसमें ऐड करेंगे डिस्टिल्ड वाटर 8 ml। अब इसमें हम ऐड करेंगे डिस्टिल वाटर 8 ml ऐड करना है।
करने के बाद आप इसको कर लेंगे अच्छे से सॉरी। ये बन जाएगा आपका सॉल्यूशन वन। और कंप्लीट सॉल्युबिलिटी के बाद आप बनाएंगे इसको, साइड में रख देना आपको, इसको भी आइस बाथ में रखने के लिए कहेंगे। और ध्यान से इसका जो ग्लास रॉड है चेंज मत करना, इसको ऐसे बना लेना। अभी आपका कंप्लीट सॉल्युबल हो गया। सॉल्युबल होने के बाद आप क्या करेंगे, बीटा नेफ्थॉल का सोल्यूशन बनाएंगे इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने प्रीवियसली बेक करके रखा हुआ है बीटा नेफ्थॉल, हम इसको डाल देंगे बीकर में। इसके अलावा स्मॉल बीकर यूज कर सकते हैं। इसी में ऐड करेंगे आप 22.5 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हमने लिया 22.5 सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि बीटा नेफ्थॉल आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड में ही सोल्युबल है। और पहले आप इसको कंप्लीट सोल्युबल कर लेंगे ना, एक बार सोल्युबल हो जाए उसके बाद आप इसमें क्या ऐड करेंगे, क्रश्ड आइस एट द टाइम ऑफ एडिशन सॉल्यूशन। हमने NNO2 दे करके रखा हुआ है, इसी में आप ऐड कर देंगे 10 ml वाटर। ठीक है, तो हमारे पास वाटर अवेलेबल है, ये हम ले लेंगे 10 ml। इसको कुछ स्टरिंग की नहीं पड़ती, आप शेकिंग करके भी इसको सॉल्युबल कर लेंगे। ये विद इन 1 or 2 सेकंड आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्युबल हो जाएगा। स्टरिंग करोगे तब भी हो जाएगा, और विदाउट स्टरिंग भी ये सॉल्युबल हो जाता है। और सॉल्युबलाइजेशन के बाद आपका सबसे पहला काम होगा इसको कहां रखना है, आइस वाटर। हमने NNO2 का सोल्यूशन बना के कहां रख दिया है, आइस वाटर में रख दिया है। और अगेन अब आपको उसमें क्या ऐड करना रहेगा, NNO2 का सोल्यूशन आप ऐड करने वाले हैं एनिलीन का सोल्यूशन। ठीक है, तो आपका ये एनिलीन का सोल्यूशन है। सेकंड, आपने NNO2 का सोल्यूशन बना लिया, NNO2 का सोल्यूशन आपने आइस बाथ में रखा हुआ है। मीनवाइल आप क्या करेंगे, अब एनिलीन का सोल्यूशन भी कहां रख देना है, आइस बाथ। और इसके बाद आपको इसमें एडिशन करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप एडिशन विद कंटिन्यूअस स्टरिंग। तो आपका ये आ गया NNO2 का सोल्यूशन। और अब आप क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप किसमें ऐड करेंगे, एनिलीन के सॉल्यूशन में विद कंटिन्यूअस स्टरिंग। तो ध्यान से आपको इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप ही ऐड करना है। और रुक जाना है, वापस इसको आपको आइस बाथ में रखना है, आप 2-3 आइस बाथ रखे अपने पास में, ताकि दोनों का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली मेंटेन रहे। अगेन आप इसमें क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे NNO2 का सोल्यूशन। यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत होती है, टेम्परेचर राइज हो जाता है। टेम्परेचर राइज नहीं होने देना, टेम्परेचर एक बार राइज हुआ तो प्रोडक्ट गलत हो गया। अभी इसमें आप ध्यान रखें कि आपको टेम्परेचर कंटिन्यूअसली मेंटेन रखना है ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप एडिशन, 2-3 ड्रॉप ऐड करो और साथ में इसको उठा के आइस बाथ में आपको दूसरे सोल्यूशन को आपको रखना पड़ेगा, NNO2 का भी और एनिलीन के सोल्यूशन को भी। नाउ अब एकदम लास्ट एडिशन हो रहा है आपके सोल्यूशन का, ये कंप्लीट NNO2 का सोल्यूशन एनिलीन के सोल्यूशन में ऐड हो गया। तो अभी आप इसका टेम्परेचर मेंटेन होने दें,
अब आपको इसमें ऐड करना रहेगा कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ बेटामेक्सोल। आफ्टर कंप्लीट सॉल्युबिलिटी आप क्या करेंगे, बेटानेफ्थॉन का जो सॉल्यूशन है आप उसको एक बड़े बीकर में ट्रांसफर करें। ट्रांसफर करने के बाद आपको क्या करना है, बेटानेफ्थॉन के सॉल्यूशन में आपको क्रश्ड आइस डालना है। क्रश्ड आइस कितना ग्राम चाहिए, 12.5 ग्राम। हमने एक दूसरे बीकर में क्या ले लिया, 12.5 ग्राम क्रश्ड आइस जो हम डाल देंगे बीटा नेफ्थॉन के सॉल्यूशन में, जिससे इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। अगेन आपको इसको कूल करना है और आइस बाथ में रख देना है। तो हमारे पास ये आ गया डाइजोटाइज्ड सॉल्यूशन। क्या ये डाइजोटाइज्ड, और इस डाइजोटाइज्ड सॉल्यूशन को आपको आइस बाथ में ही रखना है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इस डाइजोटाइज्ड सॉल्यूशन को डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में। तो आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और बीटा नेफ्थॉल का सोल्यूशन है, इसमें आप कैसे ऐड करेंगे, इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप, और जैसे आप इसको डालोगे आपका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। और ध्यान से आपको टेम्परेचर कितना रखना है, 0 से 5 डिग्री सी। आपने जैसे ऐड किया देखो आपका कलर चेंज हो गया टुवर्ड्स ऑरेंज रेड। ठीक है, एडिशन कैसे करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो डाइजोटाइज्ड सॉल्यूशन आपका कहाँ ऐड होने वाला है, बीटा नेफ्थॉल के सॉल्यूशन में। प्रोसीजर हमने देखा था कि वहां मैंने बता दिया था कि आपको एनिलीन के सॉल्यूशन को बीटा नेफ्थॉल में डाल, सॉरी बीटा नेफ्थॉल को एनिलीन के सॉल्यूशन में डालना है। बट आपको क्या करना है, बीटा नेफ्थॉल के सॉल्यूशन के अंदर ऐड करना रहेगा डाइजोटाइज्ड सॉल्यूशन। वो भी कंटिन्यूअसली आपको इसका टेम्परेचर डाउन ही रखना है। टेम्परेचर राइज हुआ कलर क्या हो जाएगा, रेड, बहुत डार्क रेड, ब्राउन, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान ये रखना है कि आपका पूरा सोल्यूशन किस इन वाटर बाथ है। तो अगर इसका आपको लगे कि वाटर कम हो रहा है कहीं से, तो आप क्या करो इसमें आइस या वाटर इंक्रीज कर दो। ठीक है, तो हमने दो तीन आइस बॉक्स बना के रखे हुए। आप इसको कंप्लीट आइस बाथ में ही इमर्स रखेंगे, बाहर वो कोई भी जरा भी सोल्यूशन आपका बाहर नहीं होना चाहिए, अंदर ही होना चाहिए। थोड़ा भी सोल्यूशन अगर आपका बाहर रहेगा वाटर बाथ से ऊपर थोड़ा सा भी हो जाए तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। आप जैसे जैसे ऐड करोगे आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन बहुत फास्ट होता है इसमें ना। और ध्यान से आपके हाथों को ही अगर लग गया तो आपका कलर स्किन पे चढ़ जाएगा, इसका कलर ऑरेंज रेड डार्क। थ्रू आउट कंप्लीट रिएक्शन टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, 0 से 5 डिग्री सी। इसके ऊपर अगर टेम्परेचर राइज हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और साइड वॉल पे अगर कुछ भी लग रहा है तो उसको पहले फुर्सत में नीचे लो। अभी देखो दो तीन ड्रॉप एक्स्ट्रा ऐड होने से देखो यहाँ पर आपको कुछ और कलर दिख रहा होगा ऊपर से, ये फ्यूम्स की वजह से हो रहा है, नाइट्रस एसिड की फ्यूम्स निकलने लगती है अगर आपने एक दो ड्रॉप भी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तब। तो यहाँ पर आपको ध्यान से टेम्परेचर डिक्रीज कंडीशन में ही ऐड करना रहेगा। फॉर्मेशन ऑफ क्या बन रहा है, वन फिनिल एजो टू नेफ्थॉल। ठीक है, और इस रिएक्शन का नाम है डाइजो कपलिंग रिएक्शन। क्या नाम है, डाइजो कपलिंग। हम पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, फिर डाइजोनियम सॉल्ट को बीटा नेफ्थॉल के साथ रिएक्शन कर दे तो सोडियम सॉल्ट है, और डाइजोनियम सॉल्ट जब आपका रिएक्शन करेगा बीटा नेफ्थॉल के साथ में तो बनाएगा कपल हो जाता है। क्या हो जाता है, कपल, बीटा नेफ्थॉल कपल होता है
डाइजोनियम सॉल्ट के साथ में, तो कपलिंग रिएक्शन, पूरी रिएक्शन का नाम क्या हो गया, डाइजो कपलिंग रिएक्शन। नाउ आफ्टर कंप्लीट एडिशन आपको इसको 30 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे या फिर आइस बाथ में आप रख सकते हो विथ ओकेजनल शेकिंग। तो आपका जब कंप्लीट शेक स्टरिंग ऐड हो जाएगा तो एडिशन के बाद आपको ऑरेंज रेड डाई कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, टूअर्ड्स ऑरेंज कलर ही ये जाता है। अगर आपने टेम्परेचर थोड़ा भी ऊपर नीचे कर दिया तो क्या हो जाएगा, रेड की तरफ ज़्यादा चला जाएगा, मरून हो जाएगा या चॉकलेट हो जाएगा, जल जाएगा। अब इसके बाद आपको इसको 30 मिनट के लिए रखना है विद ओकेजनल शेकिंग। ओकेजनली इसको 5-5 मिनट या 10-10 मिनट में क्या करना है, स्टरिंग करनी है 30 मिनट्स के लिए, उस 30 मिनट्स तक। उसके बाद आप इसको फिल्टर कर लेंगे, कोल्ड वाटर से वॉश कर लेंगे, आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। फिल्ट्रेशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे बकनर फनेल, और आफ्टर 30 मिनट्स जब इसको आप फिल्टर करेंगे तो आपको इसको वॉश करना रहेगा विथ आइस कोल्ड वाटर। नाउ वी आर गोइंग टू फिल्टर इट। अब जो भी रिमेनिंग सॉल्यूशन आपका इसमें दिख रहा है उसमें आप डालेंगे कोल्ड वाटर, ठीक है, आइस कोल्ड वाटर आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा डाई। आपको इसको कंटिन्यूअसली वॉश करना है विथ आइस कोल्ड वाटर। आपको इसको नियर अबाउट 2-3 टाइम्स वाटर से वॉश करना पड़ेगा जब तक आपका सॉल्यूशन जो फिल्ट्रेट आने वाला है नीचे आपका वो कलरलेस ना हो जाए। जब तक ये कलरलेस नहीं होता तब तक आपको इसको कोल्ड वाटर से वॉशिंग करनी रहेगी, ये कंटिन्यू वॉशिंग। नाउ अभी आप देख सकते हैं कि फिल्ट्रेशन के टाइम पर आपका जो कलर चेंज हो रहा है फ्रॉम फिल्ट्रेट 1, फिल्ट्रेट 2 टू फिल्ट्रेट 3। अभी हमको कब तक करना है, जब तक इसका कलर आपका टोटल कलरलेस ना आ जाए। नाउ अभी आप देख सकते हैं कि आपका कंप्लीट फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया है और वॉशिंग के बाद आपका कलरलेस सॉल्यूशन आना शुरू हो चुका है। अब आपको इस प्रोडक्ट को एयर ड्राई करना रहेगा क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट है 128 से 132 डिग्री सी। तो हम इस प्रोडक्ट को एयर ड्राई कर लेंगे और उसके बाद देखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट के रिलेटेड में किसी भी टाइप के प्रिपरेशन की नीड हो, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी कोर्स के लिए, आइदर 10th, 11th, 12th और एनी डिग्री कोर्स, एनी डिप्लोमा कोर्स, और इफ़ यू वांट एनी ड्रग डिज़ाइनिंग नॉलेज, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन अवर गिवन नंबर और यू कैन मेल अस एट alkemia.azcam@gmail.com। आगे आने वाले सभी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।